नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंजीनियर अड्डा। गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, फटाफट से आप सभी लोग भी आ जाए, फिर उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। आज हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो फटाफट से सभी लोग आ जाए गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? एक बार सेशन को गुलाबी दिल के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग आ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सा रखेंगे, आई बिलीव। फटाफट आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। हेलो नैनी, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट सभी लोगों को पता चल जाए कि हम सेशन लेने आ गए हैं। एंड हाँ जी गाइस, यस, हेलो महेश, हेलो नैनी, क्या हाल चाल? हाय रोहित, हेलो अंकित, हाय नीतीश, सभी को गुड इवनिंग गाइस, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग गाइस। हेलो अंकित, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वॉल्यूम को इंक्रीज कीजिए, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। ओके, आई बिलीव ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आवाज़ और तेज कर देता हूँ। क्या अभी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? अभी आवाज़ आ रही है? सपोर्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल एक लेना सर। महेश जरूर, जब मैं सॉम में SFD PMD कराऊंगा उस समय मैं आपको वो सारी चीज़ें करा दूंगा, ठीक है? ओके, तो गाइस सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से ये वाली बात पूछनी है कि आप लोगों में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जितने भी मेरे सेशन हुए हैं वो सारे के सारे देखे हैं, अभी तक जितने भी सेशन थे सारे के सारे देखे हैं आप सभी लोगों ने, एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज़। जी अब ठीक है, बहुत ज़्यादा जी, बहुत बढ़िया, स्क्रीन और वॉइस सब कुछ क्लियर है, चलो सही है। ओके, आई एम नॉट वेल एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अभी सेशन ऐसे बैठ के ले रहा हूँ। आई बिलीव आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे गाइस। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूँ कि आज का जो मोटिवेशन होने वाला है वो यही है दैट योर अपॉर्चुनिटीज आर कॉलिंग यू एंड यू हैव टू सी वेदर यू हैव टू गो फॉर इट और नॉट, राइट? और जस्ट एक फ़ोन कॉल की तरीके से आपको फ़ोन उठाना है, लेकिन उसके लिए आपके पास फ़ोन होना चाहिए और उस फ़ोन के लिए आपको मेहनत करनी है। बस ये वाली चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है, सीखनी है और फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आई बिलीव आप सभी लोग इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से ही समझेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, गुलाबी दिल के साथ सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। नाउ द क्वेश्चन इज सेम दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ पॉइजन रेशियो नॉट मोर देन वन। कह रहे इनमें से किसका जो पॉइजन रेशियो एक से ज्यादा नहीं होता। पॉइजन रेशियो के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी लोग बताएंगे प्लीज। जी बताइए जी। नैनी, मैंने तो रिसीव कर ली, अब आप लोगों की बारी है रिसीव करने की। जी बताइए, ऑप्शन नंबर डी, विनीत ने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट जब भी कभी हम पॉइजन रेशियो के बारे में बात करेंगे तो गाइस जो हमारा पॉइजन रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं म्यू, और जो म्यू की वैल्यू है वो 0 से लेकर के 0.5 के बीच में होती है। मतलब ऐसा कोई मटेरियल नहीं होगा जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव एब्सोल्युटली करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज सेइंग दैट द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ अ मटेरियल एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैटिक टेंशन टेस्ट डिपेंड्स अपॉन। तो गाइस स्टैटिक टेंशन टेस्ट से परसेंटेज ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द मटेरियल, मतलब ये कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से बात कर रहा है आपके स्ट्रेन के बारे में, राइट? अगर ये स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हेलो पुष्पांजलि, गुड इवनिंग।
ग्रेट नितेश, ग्रेट विनीत, महेश, नैनी, अंकित, पुष्पांजलि, सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी बताइए। महेश ने बोला इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हेलो शिवानी, गुड इवनिंग जी, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। परसेंटेज एलोंगेशन मतलब कि स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रेन में आप लोग किस तरीके से देखेंगे। महेश ने आंसर दे दिया है बी, और कोई? रोहित कह रहे हैं इसका आंसर होना चाहिए ज्योमेट्री ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। ओके चलो, और बाकी सभी लोगों ने इसका आंसर दिया। शिवानी गिर, इसका आंसर होगा डायमीटर ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, ऑप्शन नंबर ए। कैप्टन जैक स्पैरो सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चलो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ द मटेरियल एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैटिक टेंशन टेस्ट। स्टैटिक टेंशन टेस्ट कहने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर मटेरियल है और इस मटेरियल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेस्ट के लिए, स्टैटिक टेंशन के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लोड लगा रहा हूँ P। इसकी कोई लेंथ रही होगी L की, राइट? और इसको मैंने जब पकड़ के खींचा तो इसकी लेंथ बढ़ करके फॉर एग्जांपल हो गई होगी L डैश, राइट? ओके, तो परसेंटेज इलोंगेशन मैं कैसे निकालूंगा? मैं परसेंटेज इलोंगेशन निकालूंगा L डैश माइनस L अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी से ही तो इलोंगेशन निकलेगा, राइट? अब यहां पर जो हम इलोंगेशन के बारे में बात करेंगे तो इलोंगेशन किससे देखूंगा मैं? डायमीटर से? बिल्कुल भी नहीं। डायमीटर से तो मेरा एरिया देखा जाता है। ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री बोल सकते हैं लेकिन ज्योमेट्री के अंदर एरिया, लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ आ जाती है, तो यह भी नहीं होगा। नेचर ऑफ एंड ग्रिस्प ऑफ द टेस्टिंग मशीन, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या इसका? बचा सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बारे में, और लेंथ में अगर देखा जाए तो गेज लेंथ। गेज लेंथ वो लेंथ होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, राइट? तो जो परसेंटेज इलोंगेशन है मटेरियल का वो बेसिकली अगर डिपेंड करेगा तो गेज लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग द सेम यूनिट। कह रहा है इनमें से किसकी यूनिट सेम नहीं है बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग द सेम यूनिट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इलोंगेशन लेंथ पर ही बोल रहा था वो इलोंगेशन के लिए, तो आप तो उसी तरीके से आंसर दे सकते थे, राइट रोहित? इनमें से किसकी यूनिट सेम नहीं होगी जी? बताइए। तो गाइस अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा शियर स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो पास्कल बोलते हैं या फिर मेगा पास्कल बोलते हैं या फिर किलो पास्कल बोलते हैं, राइट? या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। और सेम यूनिट आप लोगों की इसकी होती है बल्क मॉडुलस की, लेकिन पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है आप लोगों का? यूनिट लेस होता है, मतलब इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों होगी भाई? स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन करी थी, अगर आप लोगों ने मेरी सॉम की सीरीज देखी होगी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मैंने सिखाई थी, उसमें मैंने आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताई हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा परसेंटेज इलोंगेशन, ओके वेरी गुड, परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ। जब भी कभी हम लोग यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट कर रहे होते हैं तो टेंसाइल टेस्ट में जो परसेंटेज इलोंगेशन है वो आप लोगों को किसके बारे में बताता है बताइए। अगर मैं परसेंटेज इलोंगेशन के बारे में बात करूँ तो वो आपको किसके बारे में बताएगा? क्रीप के बारे में बताएगा, मैलिएबिलिटी के बारे में बताएगा, डक्टिलिटी के बारे में बताएगा, इलास्टिसिटी इन द मेटल के बारे में बताएगा कि मेटल में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी कहने का मतलब होता है जब भी कभी आप लोगों का मटेरियल है उसमें अगर आप लोड लगाओ तो मटेरियल खिंच जाए, एलोंगेट हो जाए, लेकिन जब आप लोड छोड़ो तो वापस से वैसा ही शेप और साइज रिगेन कर ले। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डक्टिलिटी। इलास्टिसिटी तो किसी को नहीं लग रहा,
ओके, क्रीप और मेलियबिलिटी तो नहीं लग रहा। देखिए गाइस, क्रीप क्या होता है, सेल्फ वेट की वजह से जब लॉन्ग रन में या फिर जब लॉन्ग टाइम पर आप लोगों का डिफॉर्मेशन हो, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो लॉन्ग टाइम में, तो वो क्रीप की वजह से होता है। ये जो डिफॉर्मेशन होता है, ये डिफॉर्मेशन आप लोगों का कैसा होता है मेरे लाल, ये डिफॉर्मेशन होता है परमानेंट, इससे चीजें ब्रेक होती हैं। मेलियबिलिटी कब होती है, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाते हैं कंप्रेशन पे। डक्टिलिटी कब होता है, टेंसाइल पे होता है। अच्छा, जब भी कभी मैं डक्टिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो डक्टिलिटी ही क्यों लिया, इलास्टिसिटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलास्टिसिटी में आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। अगर डक्टिलिटी है तो ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों को कंसिडर करते हुए चलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज सेइंग दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड इज। गाइस, अब यहां पर जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की, तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, उसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। अभी अभी मैं किसी के बारे में बात कर रहा था, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इलास्टिसिटी, राइट। प्लास्टिसिटी क्या होता है, यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन के लिए लिखा गया था, तो इसने रिगेन शेप और साइज के बारे में बात करी, ये अपना शेप वापस से रिगेन नहीं कर पाएगा, राइट। प्लास्टिसिटी में आप लोगों को परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, क्या देखने मिलता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इलास्टिसिटी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज सेइंग दैट स्ट्रेस इज डैश ऑफ स्ट्रेन अंडर द लोडिंग अप टू द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। गाइज, अब देखो, इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल के बारे में बात कर रहा है, ऑल्दो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस में लिखा है इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डबल टू, है ना। थैंक यू सो मच रोहित एंड अंकित फॉर द गुलाबी दिल। अगर गाइज यहां पर मैं देखूं इक्वल के लिए तो इक्वल नहीं बोल सकता मैं, राइट, तो इक्वल तो आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने इलास्टिक लिमिट लिखा है, इलास्टिक लिमिट की जगह प्रोपोर्शनल लिमिट होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट आप लोगों का इसमें ऑप्शन में नहीं था, राइट। प्रोपोर्शनल लिमिट आप लोगों को ऑप्शन में नहीं था। तो गाइज यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है, ओके, क्लियर है, ग्रेट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है देयर इज डैश फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है। गाइस देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप दे सकते हैं मेरे पुराने सेशंस को देख करके, जो थ्योरी सेशंस मैंने लिए हैं उन्हीं थ्योरी सेशंस को अगर आपने देखा है, आपने सिर्फ उनको देखा बस, है ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, राइट। यहाँ पर है देयर इज डैश फॉर द ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा। तो देखो, ब्रिटल मटेरियल कहने का मतलब हो जाता है एक ऐसा मटेरियल जहां पर प्लास्टिक जोन ना हो, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, नो प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि आप ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिसिटी देखी जा सकती है, जी हाँ, ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिसिटी देखी जा सकती है, प्लास्टिसिटी नहीं देखी जा सकती, राइट। जैसे ही वो प्लास्टिक बिहेवियर को शो करना चालू शुरू करेगा वैसे ही वहां पर चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी, नो प्लास्टिक जोन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नो प्लास्टिक जोन। ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसा होता है, ऐसा, ये होता है स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेन, और ये यहाँ पे आके टूट जाता है। तो गाइस अगर ये यहाँ पर आकर के टूट गया तो मतलब प्लास्टिसिटी तो नहीं थी, लेकिन यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ये क्या है, इलास्टिक जोन है। तो ब्रिटल मटेरियल में आप लोगों को इलास्टिक जोन तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक जोन देखने नहीं मिलेगा। इलास्टिसिटी कैसे दिखाई देगी, देखो इलास्टिसिटी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी मतलब डिफॉर्मेशन देखने मिलेगा शिवानी, ठीक है। चलो इलास्टिसिटी छोड़ो, फिर प्लास्टिसिटी कैसे दिखाई देगी, प्लास्टिसिटी तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। तो
तो यहाँ का पॉइंट सिर्फ ये होता है कि जब भी कभी आप लोग ब्रिटल मटेरियल को लेते हैं, तो ब्रिटल मटेरियल को जब आप लोड लगाते हो तो लोड लगता है और वो टिक से टूट जाता है, राइट? तो जब तुमने लोड लगाया तो ब्रिटल मटेरियल पे स्ट्रेस आया होगा। अगर स्ट्रेस आया तो तुमने ये चीज़ तो सोची होगी ना कि अगर कहीं पे किसी भी मटेरियल पे स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेन की वजह से ही आता है, और अगर स्ट्रेन की वजह से ही आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटल मटेरियल में भी स्ट्रेन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो नहीं सकता, परमानेंट डिफॉर्मेशन तो हो नहीं सकता। और अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट बोल सकता हूँ कि अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होगा। टेम्परेरी डिफॉर्मेशन कब देखा जा सकता है? जब इलास्टिसिटी हो। तो इलास्टिसिटी ऐसी नहीं होगी कि 5 mm, 6 mm, 10 mm की होगी जिसको आप देख पाओ। नहीं, आप देख तो बिल्कुल नहीं पाओगे, ये तो फैक्ट है, राइट? आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये वाला फैक्ट भी आप लोगों को बता दूं कि इलास्टिसिटी जरूर होगी वहां पर, भले ही मिनिमम हो, 0.001% की इलास्टिसिटी हो, लेकिन इलास्टिसिटी आपको जरूर दिखाई देगी, और 0% आपकी प्लास्टिसिटी होगी। प्लास्टिसिटी तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ था लार्ज इलास्टिक जोन, तो फिर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, लार्ज इलास्टिक जोन। तो लार्ज इलास्टिक जोन थोड़ी ना होता है, राइट? ये लार्ज इलास्टिक जोन नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा इलास्टिक जोन होगा, बहुत हल्का सा इतना। अच्छा चलो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग इस चीज को समझना। गाइस, क्या आप लोग कभी रोड में खड़े हुए हो, जब अगर आपने कभी ये चीज फील करी हो रोड में, या फिर कभी आप लोग छत वगैरह में हो या कुछ भी है, तो रोड में क्या होता है, नो प्लास्टिक जोन कहने का मतलब कि भाई यहाँ पर प्लास्टिक जोन ही नहीं है, प्लास्टिसिटी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। नीतीश गाइस, कई बार आप लोगों ने चीज़ फील करी होगी कि अगर बहुत हैवी ट्रक रोड से गुजर जाए, और अगर आप रोड में खड़े हो तो कहीं ना कहीं आपको वो चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिलना डुलना देखने के लिए मिल जाता है। वो जो हिलना डुलना देखने मिलता है ना, वही है इलास्टिसिटी। कई बार आप ब्रिजेस में होते हैं, जो कंप्लीट ब्रिज होता है, ब्रिज भी आपका थोड़ा सा मूव करता है, थोड़ा सा वेव करता है, वो वेव ही तो इलास्टिसिटी है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, कई बार जब भूकंप आता है तो आपके घर में थोड़ा सा जो आपका घर है वो हल्का सा वेव करता है ना, दीवारें हल्की सी हिलती हैं। तो क्या दीवारें हिलती हैं तो बिल्कुल ही हिलने के वजह से टूट जाता है? नहीं, वो इलास्टिक जोन तक हिल सकता है। जितना उसका इलास्टिक जोन है उतना ही हिलेगा, उससे ज्यादा अगर हिल गया ना तो प्लास्टिक जोन में जैसे ही पहुंचा वैसे ही टूट जाएगा। तो कई बार बहुत ज्यादा अगर भूकंप आ जाए, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ जाए तो घर टूट जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही अर्थक्वेक आए तो घर नहीं टूटता, हल्का सा वेव हो जाएगा। तो वो जो हल्का सा वेव है ना, दैट इज इलास्टिसिटी। तो वो ब्रिटल मटेरियल में भी आप इलास्टिसिटी देख सकते हो, लेकिन प्लास्टिसिटी कभी नहीं देख सकते, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो गाइज यहां पर इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer for this question? Yes sir, real field example. Yes exactly. खुद ही सोचो, प्लास्टिक रीजन इलास्टिक रीजन में, कि घर कब टूटता है? तभी टूटता है जब प्लास्टिक रीजन में आ जाए, वरना हल्का सा वेव आएगा और रुक जाएगा, ठीक? बताओ, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ वायर एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर जैसे हम 3D में घुमाकर देख सकते हैं, अंकित समझ नहीं आया मुझे, कैसे, क्या 3D में घुमाकर देख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कठिन हो जाता है, समझ नहीं आता कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। यस बंटू, हाफ ऑप्शन नंबर डी 1/4। कैप्टन जैक स्पैरो कह रहे हैं सेम अमाउंट। ऑप्शन नंबर बी सेम अमाउंट, भूकंप या कुछ आ जाता है। ओके हाँ, गणेश बोथ लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूं गणेश ये कहना क्या चाह रहा है। यंग्स मॉडुलस को हम लोग कहते हैं ई,
कह रहा है यंग्स मॉडल्स ऑफ अ वायर को अगर मैं स्ट्रेस बोलना चाहूं, कह रहा है यंग्स मॉडल्स ऑफ अ वायर को अगर मुझे स्ट्रेस बोलना है तो ये कब मैं बोल सकता हूं। तो हमें पता है यंग्स मॉडल्स क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की वैल्यू जब तक 1 नहीं होगी तब तक E बराबर सिग्मा कैसे हो पाएगा, राइट? तो स्ट्रेन की वैल्यू 1 कब होगी? स्ट्रेन की वैल्यू 1 तभी होगी जब मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों की लेंथ है L की, राइट? तो आप इसको क्या करो, सेम अमाउंट पे लंबा कर दो। तो L था और L और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2L। और अगर यहां से मैं स्ट्रेन निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 2L माइनस L अपॉन L, और यहां से आंसर कितना आएगा, 1। तो मतलब कि अगर मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर को स्ट्रेस बोलना चाहता हूं तो ये कब होगा, जब मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा ओरिजिनल पे। तो ओरिजिनल लेंथ अगर L है तो मुझको कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, L ही, सेम अमाउंट पे इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जा करके तुम इसको स्ट्रेस बोल पाओगे, राइट? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, कह रहा है इनमें से कौन सा मटेरियल है जो मोस्ट इलास्टिक होता है। बताइए इनमें से कौन सा मटेरियल है जो मोस्ट इलास्टिक होता है, रबर, प्लास्टिक, ब्रास या स्टील। रबर, प्लास्टिक, ब्रास या स्टील, कौन सा मटेरियल है जो मोस्ट इलास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, स्टील। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगे ना तो आप क्या करना, एक सरफेस पे एक रबर की बॉल ले लेना और एक स्टील की सेम अमाउंट की बॉल ले लेना और दोनों को जमीन में फेंकना। जब तुम दोनों को जमीन में फेंकोगे ये टकराने के बाद हो सकता है बॉल इतनी ही ऊपर आए, राइट? लेकिन अगर ये नीचे जाएगी और टकराएगी, टकराने के बाद ये बॉल और ऊपर तक जाएगी, बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है स्टील की बॉल, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये होती है स्टील और ये रबर, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाय स्टैटिक टेंशन टेस्ट, कह रहा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी स्टैटिक टेंशन टेस्ट से इवेल्युएट नहीं की जा सकती। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी स्टैटिक टेंशन टेस्ट से इवेल्युएट नहीं की जा सकती। गाइस सेशन अच्छा लगे तो गुलाबी दिल के साथ लाइक भी करना, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, राइट? इतना तो जरूर कर सकते हो मेरे कंजूसों। कुमार नानी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पॉइजंस रेशियो। चलो मैं बता देता हूं गाइस, सबसे पहले तो ये समझो स्टैटिक टेंशन टेस्ट कहने का मतलब क्या होता है। स्टैटिक टेंशन टेस्ट कहने का मतलब हो जाता है जब भी कभी आप लोगों का मटेरियल, जब भी कभी आप लोगों का मटेरियल क्या होगा, आप लोगों के मटेरियल पे नॉर्मल टेंसाइल लोड लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, नॉर्मल टेंसाइल लोड। तो नॉर्मल टेंसाइल लोड आप लोगों का पॉइजन रेशियो में भी लगता है, डक्टिलिटी में भी लगता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉडुलस में भी लगता है, लेकिन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आप लोग यहाँ पर शियर स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम शियर स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिक टेंशन टेस्ट से नहीं निकाला जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए पर ताला लगाइएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइजन रेशियो ऑफ अ कॉर्क कैन नॉट बी इन द रेंज ऑफ, कॉर्क का जो पॉइजन रेशियो है वो किस रेंज पर नहीं हो सकता, कॉर्क का पॉइजन रेशियो किस रेंज पर नहीं हो सकता, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉर्क का पॉइजन रेशियो किस रेंज पर नहीं हो सकता। वेरी गुड विनीत, बहुत बढ़िया, उनको भी थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिखा देते हैं।
आंसर ऑल ऑफ दी अबव, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। कॉर्क का जो पॉइजनस रेशियो होता है वो क्या होता है, जीरो। इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कशन करा था, जहां पर आप लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को जीरो नहीं कर सकते, ऑल्दो लैटरल स्ट्रेन आपका जीरो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगले क्वेश्चन के पहले गाइज आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक चल रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक दिख रहा है। अगर आप लोग सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं या फिर जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, और अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं बढ़िया वाली और मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाऊँ, मैं आपको अगर मैं बताऊँ तो सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स ये सिखा सकता हूँ मैं, मैकेनिकल तो पूरी सिखा ही सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के महापैक को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए जो कूपन कोड है दैट इज़ Y166। एंड दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया तैयारी करो, इतनी बढ़िया तैयारी करो कि तुम लोग जब भी कभी सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचो ना तो मन में ये ना हो कि यार मैंने कुछ कमी रख दी है, और कमी ना हो इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो गाइज आई विल से कि अगर किसी ने नहीं ज्वाइन करा है देन ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, राइट है ना। ओके रवीश सर, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस SSC JEE से मैच करता है? जी जी बिल्कुल करता है, लेकिन रवीश जी आपको बताना चाहूँगा कि SSC JEE के जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं और डिप्लोमा के सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो दोनों बहुत अलग अलग हैं, मतलब नाम वही है, डेप्थ अलग है। अब सिलेबस सेम होने से, अब जैसे कि लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अब या फिर मैं बोल दूँ SFD और BMD, चलो मैंने SFD BMD का एग्जांपल ले लिया जो आप सिविल इंजीनियरिंग में समझ पाओगे, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मतलब स्टील का है या फिर रोड का है, कंस्ट्रक्शन का है, कुछ भी, ठीक है, सिलेबस वही है, लेकिन उसमें जो डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पता कर पाओगे, उसके लिए तो आपको बैचेस वगैरह में जाना पड़ेगा, राइट। उन बैचेस में जाइए, तैयारी करिए, सिलेबस मैच हो नहीं हो मेन मुद्दा हमारे सिलेक्शन का है, तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को बैचेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई टू अ बॉडी टेंड टू स्क्वीज इट देन स्ट्रेस सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज। अगर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं और मटेरियल को स्क्वीज किया जा रहा है, तो स्क्वीज करने का मतलब क्या होता है, स्क्वीज करने का मतलब क्या होता है? तो गाइस देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जब भी कभी आप लोग नींबू पानी पीते हो तो नींबू को आप क्या करते हो, स्क्वीज करते हो, मतलब निचोड़ते हो, कंप्रेस करते हैं हम जब किसी भी चीज को, तो उसको हम स्क्वीज बोलते हैं। तो अगर इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स हैं जो मटेरियल को स्क्वीज कर रहे हैं, मतलब निचोड़ रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोड कैसा होगा, कंप्रेसिव लोड होगा, और कंप्रेसिव लोड की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है व्हेन अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू इक्वल इट्स लेंथ, कह रहा है कि मान लेते हैं इक्वल इट्स लेंथ देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास कोई एक वायर थी जिसकी लेंथ थी एल, इसको मैंने स्ट्रेच करा है, कितना स्ट्रेच करा है, इक्वल टू इट्स लेंथ, इसी लेंथ के इक्वली मैंने स्ट्रेच कर दिया, एक और एल बढ़ा दिया, तो टोटल जो इनिशियल लेंथ थी वो एल थी, फाइनल कितनी है, 2L है, तो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 2L माइनस L अपॉन L, यहाँ से L अपॉन L करूँगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा था परसेंटेज स्ट्रेन इन केस ऑफ अ कॉर्क व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल और कंप्रेसिव टेस्ट इन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो देखो गाइस जब भी कभी हम लोग कॉर्क के बारे में बात करते हैं तो कॉर्क पे आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता है, और वो ये वाली बात पता है कि कॉर्क में आप लोगों का जो पॉइजन्स रेशियो है, राइट, पॉइजन्स रेशियो जीरो होता है कॉर्क का, लेकिन यहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखा जाता है, राइट। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जीरो तो नहीं हो सकता, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना रखा जाता है, 1 रखा जाता है।
तो यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज स्ट्रेन ऑफ द कॉर्न के बारे में बात करा है, जहाँ पर टेस्ट स्पेसिमेन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर स्ट्रेन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ अ कॉर्क व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल और दस, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हम वन रखते हैं, राइट। लेकिन पॉइंट ये वाला है कि क्या इसमें स्ट्रेन आता है, तो नहीं, इसमें स्ट्रेन नहीं आता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सर डीवी में 10th का मार्कशीट डिपेंड करता है? यस एब्सोल्युटली करता है, जरूर करता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th के मार्कशीट से ही देखी जाती है रविश कुमार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है द फॉलोइंग फिगर शोन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द टेंसाइल टेस्ट ऑन अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, द प्रूफ रेजिलियंस इज इन द रीजन अप टू द पॉइंट ऑफ। तो गाइस इसमें जो पॉइंट ए दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इलास्टिक लिमिट। राइट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो गाइस अब यहां पर ये वाला पॉइंट है, और जब भी कभी हम ए के बारे में बात करेंगे तो प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी कब तक देखी जाती है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक देखी जाती है, अप टू इलास्टिक लिमिट, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन होल्ड्स हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, गाइस दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सेशन एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स खुलता है जिसमें आप लोगों को आंसर देना है। गुलाबी दिल के साथ सभी लोग आंसर देंगे, और जब मैं नेक्स्ट सेशन में आऊँगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं आप सभी लोगों को ये सारे आंसर्स कि जितने भी स्टूडेंट्स हमें आंसर दिया होगा उन सभी का नाम शाउट आउट करूँगा अपने सेशन में, जिन्होंने भी आंसर दिया होगा। एंड गाइज आप सभी लोगों को बोलूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक महापैक नहीं लिया है तो महापैक ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। और महापैक लेने के लिए या फिर इंजीनियर अड्डा या फिर अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो उसमें लेने के लिए जो मैक्सिमम डिस्काउंट का कूपन कोड है Y166 इसका यूज़ ज़रूर करें, और यूज़ करने के बाद गाइज आप इनरोल ज़रूर करें, या आपके शिवम सर का कोड है और उसका ज़रूर यूज़ करें, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने मेरा कोड लगाया है, ठीक है। ओके सर 10th में इंग्लिश में फेल है, अच्छा फेल हो मेरे लाल तो कभी तो पास हुए होंगे ना, 10वीं फेल तो फिर डिप्लोमा नहीं कर सकता इंसान, तो पास तो हुए होंगे, राइट। तो जो पास वाली डिग्री है मतलब जो रिजल्ट है वो लगाना, ठीक। एंड गाइस अभी आंसर मत दो, ये चैट बॉक्स है जिसमें तुम आंसर दे रहे हो, इसे हम चैट बॉक्स बोलते हैं। कॉमेंट बॉक्स क्या होता है, जब आप लोगों का सेशन शुरू होता है, ठीक है, तो सेशन एंड होने के बाद जो कमेंट्स नहीं होते उन कमेंट्स में आंसर देना है, ठीक है, तो उसमें आंसर देना, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय 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 गाइज बाय बाय, एंड डू एनरोल इन महापैक सो दैट आपकी तैयारी अच्छी हो, यूज कोड Y166, ओके बाय गाइज।